बिग बॉस की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया हैंडल पर राखी की फोटो शेयर करते हुए ये कहा था कि राखी को हार्ट अटैक आया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राखी सावंत फिलहाल जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। उनके कुछ बड़े टेस्ट किए जा रहे हैं और बीते दिन भी डॉक्टर ने उनके कुछ टेस्ट किए थे। इन सभी टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही राखी की हेल्थ कंडीशन के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। तब तक राखी पूरी तरह से फिट नहीं होती, उन्हें अस्पताल में ही रखा जाएगा। से फोन पर बात करने के बाद जानकारी मिली है कि 14 मई 2024 को सीने में हो रहे दर्द के चलते राखी को उनके दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। राखी ने कहा था कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुई है। आने वाले 5-6 दिन तक उन्हें आराम की जरूरत है और इस दौरान वो किसी से बात नहीं कर पाएंगी। हार्ट अटैक को लेकर राखी रितेश या क्रिटिकल अस्पताल की तरफ से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। भले ही खुद राखी सावंत और उनके करीबी दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि मैं हूं ना, एक्ट्रेस को हार्ट की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर को राखी का इस तरह से अस्पताल में भर्ती होना महज पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। लोग राखी सावंत को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि न तो इसने अस्पताल का यूनिफॉर्म पहना है और न ही ये किसी पेशेंट की तरह दिख रही है, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या पूनम पांडे की तरह राखी सावंत भी पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं? एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।